जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीए सेंटर में। हम लोग जो है आज एसएससी सीएचएसएल 18 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी शिफ्ट का जो है जीके जीएस का क्वेश्चन जो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है कि 2018 का जो है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2018 का पूछा गया है, किसका 2018 का, 2018 का जो हो जाएगा विराट कोहली, किसे दिया गया है विराट कोहली। ठीक, और अगला प्रश्न जो है कि मकर संक्रांति को जो है गुजरात में किस नाम से जाना जाता है। तो मकर संक्रांति को जो है गुजरात में उत्तरायण, किस नाम से जाना जाता है उत्तरायण में। ठीक, तमिलनाडु में जो है पोंगल एवं केरल में ओणम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तथा असम में जो है बिहू के नाम से। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरायण। ठीक दोस्तों, अपना जो है बिहार असाइनमेंट्स का जो है डेली का एक एक प्रैक्टिस सेट चलता है, उसे आप जरूर देखिए। जो दोस्त जो है बिहार असाइनमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभप्रद है, एवं हिंदी का भी सेशन चलता है जो कि बिहार असाइनमेंट्स एवं बिहार एसएससी मेंस के लिए काफ़ी लाभप्रद है। ठीक, और दोस्तों इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि जितने भी दोस्त जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना आंसर सही आंसर चूज कर सके। ठीक, और यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तथा बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, और उसका जो है उसे वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक, और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, कंप्यूटर में जो है फायरवॉल क्या होता है। तो कंप्यूटर में फायरवॉल होता है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। अगला प्रश्न जो है कि किस राज्य में जो है सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और गुजरात में जो है सबसे अंत में है। अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच जो है समय का अंतर 2 घंटे का होता है। ठीक, और यदि दोस्तों 1 डिग्री में जो है 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है 30 डिग्री का अंतर है, जिस कारण जो है 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में और सबसे पश्चिमी गुजरात में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न जो है, मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो मौद्रिक नीति जो है आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। ठीक, आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई थी 1934 के एक्ट के तहत, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था, कब 1949 में। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, कौन थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वही अबुल कलाम आज़ाद है जो भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे एवं सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे आज़ादी से पहले। यह 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तथा इन्हीं के जन्मदिवस पर जो है शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि स्मृति मानधाना का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो स्मृति मानधाना जो है किससे, क्रिकेट से, किससे संबंधित है क्रिकेट से। हाल ही में इनके द्वारा जो है एक क्रिकेट पत्रिका लॉन्च की गई है, जिसका नाम है क्रिक जोन। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग उसको याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि राज्य सरकार में जो है प्रधान कौन होता है, राज्य सरकार का जो प्रधान कौन होता है। यदि दोस्तों प्रधान पूछा गया हो तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, एवं कार्यपालिका का प्रधान, तो कार्यपालिका का प्रधान जो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। ठीक, और ऐसे होगा तो मुख्यमंत्री। ठीक, याद रखिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक, वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वहाँ पर नियमानुसार जो हो जाएगा कौन, राज्यपाल। कार्यपालिका का प्रधान जो है वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ऐसे नियमानुसार जो है राज्यपाल हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न जो है, समुद्र के जल में जो है कौन सा नमक पाया जाता है, नमक का कौन सा। तो समुद्र के जल में जो है कौन सा, सोडियम क्लोराइड, किसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि पीएच मान जो है 7 किसका होता है। तो पीएच मान जो है 7 जल का होता है, किसका होता है, जल का। ठीक, पीएच मान जिसका 7 हो वह उदासीन होता है। ठीक, और जिसका 7 से कम हो वह अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसे क्षारीय कहते हैं। और पीएच मान जो है 0 से लेकर 14 तक दर्शाया जाता है, कितना, 0 से लेकर 14 तक। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और जल का जो है पीएच मान 7 होता है, इस प्रकार जल जो है क्या हो जाएगा, जल उदासीन हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न जो है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू, ठीक, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से जो है महात्मा गांधी जी को, किसको जाना जाता है, महात्मा गांधी जी को। और सबसे पहले जो है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए किस देश की अनुमति लिया जा सकता है, के द्वारा चढ़ाया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए नेपाल की अनुमति जरूरी है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे
ताप हो जाएगा, ठीक। ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, ठीक। अगला प्रश्न जो है कि पेन किलर दवा को जो क्या कहा जाता है? दोस्तों पेन किलर दवा को जो है एनाल्जेसिक या दर्द निवारक दवा को जो है को ही एनाल्जेसिक कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है खुले में शौच से मुक्त कब घोषित किया गया? भारत को जो है खुले से में शौच से मुक्त कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 2019। कब किया गया? 20 अक्टूबर 2019। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1934 में जो है 1947 में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली लेबर पार्टी की सरकार थी। इन्होंने ही घोषणा की थी कि यदि जो है हमारी सरकार बनती है तो भारत को जो है हम स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। और जस्ट जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी सरकार बनी और ये जो है भारत को जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक योजना बनाई, माउंटबेटन योजना, ठीक। और माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक। और फार्मूला पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला के आधार पर जो है भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक। भारत का विभाजन होता, ठीक, भारत का विभाजन, ठीक। अगला प्रश्न जो है कि 2019 का जो है ISSF वर्ल्ड कप में जो है प्रथम स्थान किसे मिला था? 2019 का जो है ISSF वर्ल्ड कप में जो भारत का को कौन सा स्थान? तो प्रथम स्थान मिला। कौन सा स्थान? इसका सही आंसर होगा प्रथम स्थान, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि NSG के जो है महानिदेशक कौन है? तो NSG नेशनल सुरक्षा गार्ड, इसके महानिदेशक कौन है? तो अनूप कुमार सिंह। कौन हो जाएंगे? अनूप कुमार सिंह, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ATP कप 2020 किसने जीता है? तो ATP कप 2020 जो है सर्बिया के द्वारा, किसके द्वारा जीता गया है? सर्बिया के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। कौन सी है? अरावली, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसे दिया गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यह ग्रेटा थुनबर्ग को किसे दिया गया है? ग्रेटा थुनबर्ग को। यह जो है एक पर्यावरण से संबंधित कार्य करती है, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों यह अपनल ऑप्शनल क्वेश्चन है, उस ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पे कृष्णा नदी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तेलंगाना राज्य कब बना था? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य जो है 2 जून 2014 को, यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कब? 2 जून 2014 को। और इसकी राजधानी जो है कहाँ है? हैदराबाद, ठीक। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की संयुक्त राजधानी हैदराबाद, की राजधानी होगी अमरावती, ठीक। आंध्र प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में 3 अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की है, ठीक। तथा आंध्र प्रदेश राज्य जो है अभी हाल ही में अपना विधान परिषद जो है को समाप्त करने का भी विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अभी हम अली को जो है किस देश की सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अभी अहमद अली को जो है अपने देश इरिटीरिया के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए उन्हें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 का दिया गया है। यह इथोपिया के अभी प्रधानमंत्री है, ठीक। अगला प्रश्न जो है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946, ठीक। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और इसकी जो है यह जो है इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, ठीक। अगला प्रश्न जो है कि किसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था? तो दोस्तों RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1949 में हुआ था, और इसका जो है स्थापना 1935 में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न जो है 107वीं भारतीय साइंस कांग्रेस का थीम क्या था? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है कहाँ हुआ था? तो यह बंगलोर में हुआ है, और इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में जो है लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इस प्रकार जो कि इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आए कि किस राज्य में लोकसभा की सीटों की सबसे संख्या अधिक है, या राज्यसभा या विधानसभा या जनसंख्या, ये 3-4 क्वेश्चन आए तो ये राज्यसभा हो जाएगा, ठीक। इसमें जो है लोग तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक। और लोकसभा में 80 सीट हैं, यहाँ पे सबसे अधिक सीट, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ICC एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 हिटमैन, भारतीय हिटमैन रोहित शर्मा को चुना गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं देगा, रोहित शर्मा, ठीक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि महाभियोग का प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों महाभियोग का प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में ला सकते हैं, ठीक। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का प्रस्ताव जो है अनुच्छेद 61 के तहत आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न जो है किस देश ने जो है जनवरी 2020 में तकनीकी चूक के कारण यूक्रेन के विमान को मार गिराया था? तो कौन सा देश हो जाएगा? यहाँ पे शेष नहीं होगा दोस्तों, ये
देश हो जाएगा। किस देश ने जो है 2020 में तकनीकी चूक के कारण यूक्रेन को विमान को मार गया था, तो कौन सा देश हो जाएगा? ईरान। ठीक, अगला प्रश्न जो है, वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्तीय आपात जो है संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है, एवं 352 में जो है राष्ट्रीय आपात, एवं 356 में जो है राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन जो है दोस्तों कहाँ, कजाकिस्तान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कजाकिस्तान में। ठीक, और सबसे बड़ा भूअवेष्टित देश भी कजाकिस्तान ही है, और एक एशियन कंट्री है और सबसे बड़ा भूअवेष्टित देश कजाकिस्तान। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम जो है कहाँ, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न जो है कि समुद्र जल स्तर के चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो समुद्र का जल स्तर जब चढ़ाव उस चढ़ाव को जो है ज्वार एवं नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ठीक, समुद्र के जल स्तर के चढ़ाव को ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में जो है भारत की रैंक क्या है? तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में जो है भारत की रैंक चौथी है। क्या है? चौथी। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बी आर अम्बेडकर। कौन हो जाएंगे? बी आर अम्बेडकर। ठीक, और प्रारूप समिति में जो है कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ठीक, कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 जो है किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को। किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि डूरंड कप का जो है संबंध किससे है? डूरंड कप खेल का संबंध किससे है दोस्तों? तो डूरंड कप खेल का संबंध जो है किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी गोकुलम, गोकुलम फैन क्लब। डूरंड कप 2019 का विजेता कौन है? तो गोकुलम फैन क्लब। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा गोकुलम फैन क्लब। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के जो है नोबेल पुरस्कार इन्हीं के जो है खोज पर दिया जाता है। ठीक, इन्हीं के जन्मदिवस पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि नार्वे के ओस्लो एम स्टॉकहोम में दिया जाता है। नार्वे के ओस्लो में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार, साहित्य अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो 1969 से दिया जा रहा है, एम 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि डूरंड कप ये हो गया गोकुलम फैन क्लब, डूरंड कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, डूरंड कप किसने जीता है? तो गोकुलम फैन क्लब। ठीक, और यह जो है फुटबॉल से, शायद ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न जो है गुरु पर्व जो है किस महीना में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो है कार्तिक महीना में, किस महीने में? कार्तिक महीना में गुरु पर्व मनाया जाता है। ठीक, और अगला प्रश्न पूछा गया था कि कालाजार जो है किसके वजह से होता है? तो कालाजार जो है प्रोटोजुआ के वजह से होता है। किससे? प्रोटोजुआ के वजह से। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से जो कौन सा जो है रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो आईसीएआर जो दोस्तों होगा वो जो है एक रेटिंग एजेंसी नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो अभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पत्रा। कौन हो जाएंगे? माइकल देवव्रत पत्रा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि खेलो इंडिया का जो है तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया का जो है तीसरा संस्करण जो कहाँ हुआ है? तो यह गुवाहाटी में, और पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तो मुंबई। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1 GB में जो है कितने MB होते हैं? तो 1 GB में दोस्तों 1024 MB, कितने हो जाएंगे? 1 GB में 1024 MB होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज है। किस प्रकार का? सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक, अगला प्रश्न जो है किस अधिनियम के तहत जो है भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया? तो किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है भारत का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है कहाँ? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। ठीक, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम के द्वारा वो जो है शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के वर्तमान CDS कौन है? तो चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस, चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कौन है? तो बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत। अगला प्रश्न पूछा गया था सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती है? तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है किसने जीता है? तो ये जीता है बेन स्टोक। अगला प्रश्न था कि मुद्रा योजना से, तो मुद्रा योजना में जो है 3 प्रकार की लोन दी जाती है, शिशु लोन, किशोर लोन एवं तरुण लोन। ठीक, तो शिशु लोन में जो है 50,000 तक की लोन दिया जाता है, एम किशोर लोन में जो है 50,000 से 5 लाख, एम तरुण लोन में जो है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर
शेयर कीजिएगा, कम से कम अपने एक मित्र में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त अभी तक चैनल पर ना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तथा अपना जो है बिहार दरोगा मेंस का जो है डेली प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है, जिसे आप जरूर देखिएगा। इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं।